आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 30वां वार्षिक उत्सव ज्ञान ज्योति पर्व वेद व गीता ज्ञान कथा एवं 51 हवन कुंडीय विशाल महायज्ञ 11 मार्च से 17 मार्च तक बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वैदिक भजनोपदेशक दिनेश पथिक ने अपने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान भजन गायक सोनू भारती ने भी अपने भजनों के माध्यम से माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस मौके पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, मोहित खन्ना, रिक्की खन्ना, हजारी लाल शर्मा और नीलम शर्मा ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहूतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरुकुल करतारपुर से आए हुए ब्रह्मचारियों द्वारा विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर प्रधान रंजीत आर्य, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र उपाध्याय, महामंत्री हर्ष लखनपाल, ओम मल्होत्रा, सुरेंद्र खन्ना, जसविंदर कालिया, सुनीत भाटिया, संदीप अरोड़ा, अनिल कोहली, कुबेर शर्मा, गौरव आर्य, राजीव शर्मा, नवीन चावला, अनिल भसीन, सुभाष आर्य, दीपक सूरी, डॉक्टर राजेश सेठ, डॉक्टर सुदेश चौधरी, सुनील विज, बैजनाथ आर्य, अमन आर्य, ललित मोहन कालिया, विनोद तिवारी, पवन महाजन, गीतिका अरोड़ा, डिम्पल भाटिया, प्रवीण लखनपाल और केदारनाथ शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हम सभी जानते हैं आज हम अपने वार्षिक उत्सव के तृतीय दिवस में पहुंच चुके हैं। उसका शुभारंभ बहुत ही हमारे सम्मानीय आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी जी ने मंच से चारों वेदों के मंत्रों द्वारा और स्वाहा स्वाहा की आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। हमारे बहुत ही भावी यजमान जो आज इस यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने भी यज्ञ किया, यज्ञ सुना और यज्ञ देखा, परमपिता परमात्मा उन सभी की झोलियां खुशियों से भर दे। आपके घर में जो भगोना है उसे पता होता है कि इसमें आपने भिंडी बनाई है या टमाटर बनाया है? ऐसे ही तो है सूरज चांदता रहे, समझ में आया? अच्छा, आपका ये जो शरीर है इसमें से जब शरीर का मालिक निकल जाएगा, जब रथ तो रह जाएगा और रथ ही चला जाएगा, तो जो बचेगा उस रथ को बोलते अरथी। क्या बोलते हैं जी? अरथी माने अब रथी तो चला गया, रथी नहीं मरा है, रथी कभी मरता भी नहीं। अरे बस यहां से चोला छोड़ा और अगला बढ़िया सा चोला, फिर बढ़िया सी मां मिलेगी, बढ़िया से पिता मिलेंगे और सब सुंदरता मिलेगी। भजनों की आपके पास इतनी अनगिनत भजन है, गिनती तो है ही नहीं, क्योंकि सत्यपाद पथिक जिनका जन्मदिन है आज हम थोड़ी सी भूल करके, क्योंकि उस समय पति जी के नाम से होती डलवानी थी परमात्मा से, ये क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, ये रात्रि कार्यक्रम उनके उनको समर्पित आज है। पति जी ने हजारों भजन लिख दिए, हजारों, आज तक कोई ऐसा आर्य विद्वान ने जिस इतने भजन लिखो। किसी मंदिर में चलो, कहीं चले जाओ, जब जहां पति का आया उस भजन के पीछे तो वो पति जी ही है।